ये जैसे हम बरेली से आए थे तो जयपुर बदली थी बस, ये जयपुर से जा रहे थे हम गुजरात के लिए, और ये अजमेर से आगे हादसा हुआ है। कहाँ पर? अजमेर के यहाँ? कहाँ कहाँ पर? मांगलिया। मांगलिया बस? हाँ, कितने जने थे बस के अंदर? कम से कम 85 लोग। कैसे हुआ ये हादसा? ये हादसा ऐसे हुआ है, दोनों साइड में ट्रक आ रहे थे और बीच में बस जा रही थी। अच्छा, तो जो कंडक्टर के साइड है वहाँ से हाँ, सारे खलास हो गए, खलासी साइड। कितने जने घायल हैं? कितने की डेथ हो गई? कुछ जानकारी? कुछ जानकारी नहीं मुझे। ठीक है, आपका नाम बताइए। हारून अली। कहाँ से हो? बरेली से। कहाँ जा रहे थे आप? गुजरात। काम के लिए? हाँ। आज एक बार अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ कि अजमेर ब्यावर के बीच में एक बस हादसा हुआ जिसमें काफ़ी इंजर्ड रहे और काफ़ी ब्रॉड डेड भी रहे। हमारे अस्पताल में, जेएलएन अस्पताल में, 5 तो ब्रॉड डेड लाए गए और 3 हमने भर्ती करे हैं, और 2 ऐसे मरीज़ थे जिनको आउटडोर से ट्रीटमेंट करके हमने भेज दिया है। तो इस एक्सीडेंट से हमारे यहाँ इस तरह से 5, 3, 8 और 2, 10 लोग आए थे, जिसमें 5 डेड हैं और 5 का हम इलाज कर रहे हैं। किस तरह से इलाज कर रहे हैं? उसमें सारा हमारा, जैसे ही पता लगा कि इस तरह से एक मास कैजुअल्टी आने को, तो हमारे सारे रेजिडेंट, सारे नर्सिंग स्टाफ जो मैक्सिमम मोबिलाइज़ कर पाए थे, वो सारा पूरा पूरी तरह से हमने यहाँ चाक चौबंद प्रबंध, सारे सारे अरेंजमेंट्स पूरी तरह से पुख्ता करा लिए गए थे। तो जैसे ही पेशेंट्स आए उनको तुरंत उनका उपचार हमने शुरू कर दिया। कुछ के फ्रैक्चर्स हैं तो उनका सारा ट्रीटमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा सारा कर लिया गया है। सारे पेशेंट को सीनियर्स ने देख लिया है और सबके ट्रीटमेंट चल रहे हैं। सर, टोटल केस क्या है? 5 बॉडीज़ डेड लाए थे हमारे पास यहाँ, और ऐसा बता रहे हैं कि 3 बॉडीज़ ब्यावर गई हैं, जिसका अभी पुख्ता जानकारी अभी लेनी है, लेकिन ऐसा जो बताया जा रहा है वो है कि 3 बॉडी ब्यावर और 5 हमारे यहाँ जेएलएन में आई हैं।